हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डूइंग 58th चैप्टर ऑफ योर बुक लर्न वेल न्यू लर्न वेल जनरल नॉलेज क्लास 6। सो द चैप्टर नेम इज टेक केयर। टेक केयर मतलब ध्यान रखो। हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट मेजर्स दैट यू कैन फॉलो टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इंजरीज एट होम। आप लोग अभी घर पे रह रहे हैं, लॉकडाउन है, तो आपको घर पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको कोई भी इंजरीज ना हो। इंजरीज का मतलब चोट, कोई चोट आपको ना लगे, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, फर्स्ट इज बी कॉशियस, मतलब ध्यान रखो। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम नाइव्स, फॉक्स, सीजर्स एंड अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स। अपने आप को दूर रखो किन से, नाइफ मतलब चाकू, फॉक मतलब जो कांटा जिससे आप मैगी खाते हैं या फिर फ्रूट्स खाते हैं, सीजर मतलब कैंची और बाकी शार्प ऑब्जेक्ट से अपने आप को दूर रखो। दीज शुड बी केप्ट इन अ क्लोज्ड बॉक्स और अ ड्रॉअर विद अ सेफ्टी लैच। ये सारी चीज़ें एक बंद बॉक्स के अंदर रखी होनी चाहिए और किसी ड्रॉअर में होनी चाहिए और उसको ढंग से लैच मतलब कुंडी लगी होनी चाहिए या फिर वो बंद होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज यूज़ ग्लास यूटेंसिल्स सच एज ड्रिंकिंग ग्लासेस एंड बाउल्स सेफ्टली। मतलब आप जो भी ग्लास के यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, मतलब शीशे के यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं जैसे ड्रिंकिंग ग्लासेस या बाउल्स, तो उनको सेफली पूरे ध्यान से यूज़ करना चाहिए। देन मेक श्योर दैट मिरर्स आर सिक्योरली अटैच टू द वॉल। जो मिरर्स वगैरह हैं, इसी तरह की चीज़ें हैं जिनसे चोट लग सकती हैं, ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छे से दीवार से लगे हुए हों। देन नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले विद एप्लायंसेस दैट हैव शार्प ब्लेड्स। ऐसी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए जिनकी शार्प ब्लेड्स होती हैं, एंड दे शुड बी लॉक्ड इन अ कैबिनेट। वो किसी अलमारी में लॉक करके रखे जाने चाहिए। डेनिस डू नॉट ग्रैब शार्प टूल्स लाइक अ स्क्रू ड्राइवर केयरलेसली। स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, पेचकस वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनको आपको पकड़ना नहीं चाहिए। हैंडल दीज थिंग्स केयरफुली, इनको ध्यानपूर्वक संभाल के पकड़ना चाहिए। डू नॉट टच और प्ले विद हार्मफुल लिक्विड यूज एट होम फॉर क्लीनिंग। जो कि क्लीनिंग के लिए सामान घर पर यूज़ होता है उनको टच नहीं करना चाहिए और उनके साथ खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, डू नॉट टच और प्ले, ये हो गया। देन नेक्स्ट इज डू नॉट टच रस्टेड ऑब्जेक्ट। रस्टेड क्या होता है, रस्ट क्या होती है, जैसे जंग लग जाती है किसी चीज को, तो जिस चीज पे जंग लगा हो उन चीजों को टच नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड मतलब तैयार रहो, किस लिए, मेमोराइज द फोन नंबर ऑफ योर पेरेंट्स। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, कहीं गुम ना हो जाएं, कहीं आपको कोई चोट ना लग जाए, कहीं आप अकेले ना रह जाएं, तो इसलिए अपना फोन नंबर याद रखा करो, अपने नेबर्स का, अपने पड़ोसियों का, अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, जो आपके यू कैन से संगी साथी हैं या फिर यू कैन से आपके चाचा ताया जो कोई भी हैं, उनका फ़ोन नंबर आपको याद रखना चाहिए। एंड डॉक्टर्स, टीचर्स, उनके सभी के नंबर, एमरजेंसी नंबर आपको याद होने चाहिए ताकि आप उनको यूज़ कर सकें जब भी आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है। फिर है मेक अ फर्स्ट एड किट एट होम एंड कीप एमरजेंसी इंस्ट्रक्शन इनसाइड। अपने घर में एक फर्स्ट एड किट बनाकर रखनी चाहिए आपको, जिसके अंदर क्या होगा, आप इमरजेंसी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि आप कह सकते हो फर्स्ट एड किट के अंदर क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए बैंडेज होनी चाहिए, और अगर कोई चोट लग जाए उस पर लगाने के लिए आपकी क्रीम होनी चाहिए, और आपको पेन किलर्स होनी चाहिए अगर कोई दर्द हो एकदम से, कोई वॉमिटिंग की मेडिसिन हो, तो इस तरह की चीज़ें उसके अंदर फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। एंड देन टेक केयर व्हेन यू आर प्लेइंग, जब भी आप खेल रहे हो ध्यान रखो, एंड स्पेशली वाइल डूइंग एक्टिविटीज़ लाइक होल्डिंग थिंग्स एंड क्लाइंबिंग। किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं आप या फिर क्लाइंब कर रहे हैं, किसी पे चढ़ रहे हैं, तो आप उस समय पर अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स स्टेट व्हाट यू विल डू इन योर फॉलोइंग सिचुएशन। अगर कोई आपके पास ये दोनों सिचुएशन में से कोई सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट इज व्हाट हेल्प कैन यू प्रोवाइड व्हेन योर सिबलिंग्स गेट अ माइनर कट। अगर आपका सिबलिंग क्या होता है, आपका यू कैन से भाई बहन या छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन, सिबलिंग मतलब आपके साथ के, तो उनको अगर छोटा सा कट लग जाता है, जरा सा कट लग जाता है, तो उस पर क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले जहाँ पर कट लगा है उसको साफ पानी से वॉश करना चाहिए, फिर उसको कॉटन से ड्राई करना चाहिए, सुखाना चाहिए, फिर उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए और फिर उस पर बैंडेज करनी चाहिए, नहीं तो सिंपल जो बैंडेज की आती है टेप वो लगानी चाहिए ताकि उसका ब्लड जो है वो रुक जाए। तो अगर छोटा कट लग जाए तो इस तरह से आपको करना चाहिए।
ठीक है. देन सेकेंड पॉइंट क्या है, वट प्रिवेंटिव मेजर्स विल यू टेक केयर इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग. अगर नाक में से खून आने लग जाता है तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए. अगर नाक में से खून आ जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको पर्सन को लेटा देना चाहिए ताकि उसका जो खून है वो रुक जाए. ठीक है. और फिर उसको यू कैन से क्लीन करवा कर, और एक होता है सिर पे पानी डालने से, सिर पे अगर पानी डाले तो वो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है एकदम से. ठीक है. तो देज आर सम ऑफ द मेजर्स यू कैन से, जब आपकी कोई नोज ब्लीडिंग हो जाती है आपके या आपके फ्रेंड के या घर पे किसी के भी, तो उस टाइम पर ये मेजर्स आप ले सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर.